चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने संविधान विशेषज्ञों से चर्चा और सलाह मशविरे के बाद ये फैसला लिया है। 7 विपक्षी दलों की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया था। उपराष्ट्रपति नायडू ने 4 दिन की छुट्टी पर आंध्र प्रदेश गए हुए थे, लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से रविवार को ही वो दिल्ली लौट आए और इस फैसले से चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मुहिम चलाने वाली कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस के नेतृत्व में 7 दलों में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को सौंपा गया था, लेकिन ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है और कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि बिना जांच के ही इस प्रस्ताव को खारिज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। CJI के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने CJI पर 5 गंभीर आरोप लगाए थे। कानून विदों की राय लेने के बाद ये तमाम आरोप सिरे से खारिज किए गए हैं। आरोपों को लेकर कांग्रेस आश्वस्त नहीं थी, ये खुद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है। प्रस्ताव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस संसदीय आचरण के खिलाफ है। प्रस्ताव पर 71 सांसदों के हस्ताक्षर थे। कांग्रेस की अगुवाई में यह प्रस्ताव सौंपा गया था। प्रस्ताव पर 7 पूर्व सांसदों के भी हस्ताक्षर थे। तकनीकी तौर पर 64 सांसदों के हस्ताक्षर माने गए। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों का प्रस्ताव इसमें शामिल था। लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं।